सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो सेशन है वो Day 2 है 100 Days ऑफ हैकिंग का, एंड बेसिकली हम बात करेंगे आज बेसिक्स को ब्रशअप करने के बारे में। बेसिक्स को ब्रशअप करना एक्चुअली ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपने एक स्किल सीख ली बट अगर आप उसको कंसिस्टेंटली नहीं करोगे तब आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है या वीकनेस क्या है। मैं एक चीज़ आपको साफ साफ बता रहा हूँ, हैकिंग के अंदर भी आपके पास स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स के अराउंड प्ले करोगे ज़्यादा चांसेस है कि आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाओ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली नोट्स की तरफ चलते हैं एंड हम सारी चीज़ों को चेकआउट करते जाएंगे। आप मुझे येस या नो लिख कर बता सकते हैं कि आपको नोशन पे नोट्स विजिबल है या नहीं है। बेसिकली आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, येस और नो। अगर आपको चीज़ें विजिबल हैं तब आप येस लिख सकते हैं, अगर आपको चीज़ें विजिबल नहीं हैं, कोई डाउट्स हैं, तब आप नहीं लिख सकते हैं। ओके, सो अगर आपको विजिबल है तो हम स्टार्ट करते हैं। Day 2 में हमें क्या चीज़ बताता है, सम डेज आर गुड, सम डेज आर बैड एंड वाइस वर्सा। हैकिंग में भी क्या होता है कि कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बहुत बेकार होते हैं, एंड ये चीज़ चेंज भी हो सकती है। जनरली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक टारगेट मिला है कि आपको abc.com को हैक करना है। किसी दिन चांसेस है कि आपको abc.com में बहुत जल्दी बग्स मिल जाएंगे, बट किसी दिन चांसेस है कि आपने पूरा दिन लगा दिया, आपको बग्स ना मिले। अ हैकर नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड टू फेस एनीथिंग। प्रिपरेशन डजंट हैपन विदाउट फोकसिंग ऑन फंडामेंटल्स। एक हैकर को अगर किसी भी चीज़ को फेस करना है तो उसको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड प्रिपरेशन आपकी फंडामेंटल्स पे फोकस किए बिना आ ही नहीं सकती। सो आज के टास्क में क्या है कि हम अपने फंडामेंटल टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, हम लाइनक्स को कंटिन्यू करेंगे, हम ये चीज़ समझेंगे कि आखिर इंटरनेट कैसे काम करता है। इंटरनेट के बाद हम नेटवर्किंग के कुछ टॉपिक्स को चेकआउट करेंगे, हम साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट साइट्स को देखेंगे, एंड एट द एंड हम बात करेंगे कि आप अपने हैकिंग टारगेट को कैसे चूज़ कर सकते हो। बिकॉज आज आपको अगर ये पता चल गया कि आपको हैकिंग टारगेट्स कैसे चूज़ करने हैं, Day 3 में हम और डिटेल में बात कर पाएंगे कि आपने टारगेट चूज़ तो कर लिया बट टारगेट के अंदर भी आपको किस चीज़ को हैक करना है या फिर आपको किस चीज़ को हैक नहीं करना। देन नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं, वाइल एक्वायरिंग टेक्निकल स्किल्स नेवर फॉरगेट योर सॉफ्ट स्किल्स विच इंक्लूड्स द वे यू बिहेव एंड टॉक। अ हैकर रिक्वायर्स गुड सॉफ्ट स्किल्स एंड कमांड ऑन एटलीस्ट वन लैंग्वेज टू सर्वाइव द वर्ल्ड। देखो, टेक्निकल स्किल्स अपनी जगह पर हैं बट टेक्निकल के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स पे भी ध्यान देना होगा, बिकॉज जो ये इंडस्ट्री है वो डिमांड करती है कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हों, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होने का मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न ये है कि आपको दूसरे लोगों से बात करनी है, आपके ऑर्गेनाइजेशंस में रिपोर्ट भेजनी है। अगर आपकी एक लैंग्वेज पे कंट्रोल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। वट वुड बी एनी अदर ऑप्शन देन इंग्लिश। सो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पीपल इन दिस इंडस्ट्री नीड्स इट। इंग्लिश की ज़रूरत है ही इसलिए बिकॉज ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री काम ही यूनिवर्सल लैंग्वेज पे करती है। जो हैकिंग होती है वो सिर्फ इंडिया में थोड़ी ना होती है, आपको कोई ऐसी वेबसाइट हैक करने को मिल सकती है जो कि वर्ल्ड के किसी और कोने में हो। चीज़ें तो आपकी सारी इंग्लिश पे ही चलेंगी। अब हम आते हैं हमारी मेन चीज़ पे। नेक्स्ट हमें Task 1 दिया गया है। Task 1 है हमारा कंप्लीट द रूम नेम्ड एज लाइनक्स फंडामेंटल्स Part 2। लाइनक्स फंडामेंटल्स Part 2 की मैंने ये प्रॉपर वीडियो बना रखी है, इसके अंदर पूरा वॉक थ्रू है कि आप TryHackMe पे लाइनक्स फंडामेंटल्स Part 2 को क्लियर कैसे करोगे। मैं इस वाले सेशन में एक क्विक रिविजन दूंगा, एंड क्विक रिविजन के बाद जो हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ वेब वर्क्स। हाउ वेब वर्क्स में हम ये चारों के चारों रूम्स को क्लियर करेंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए कि DNS क्या होता है, HTTP क्या होता है, वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं, एंड इसके अंदर सारी चीज़ों को हम एक साथ जोड़ेंगे। ओके, सो एक बार हम जल्दी से Part 2 के वॉक थ्रू को, मैं पूरी वीडियो प्ले नहीं करूँगा, डायरेक्टली आपको शो करूँगा। आपको लर्न पे जाना है, लर्न पे जाने के बाद आपको सर्च पे जाना है, एंड सर्च पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको लाइनक्स पे जाना है। लाइनक्स पे जाने के बाद आपको लाइनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 2 पे जाना है एंड पार्ट 2 पे जाने के बाद आप यहीं से ही लाइनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 2 के रूम को ज्वाइन कर सकते हो। ये रूम मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, ठीक है। सो अगर आपको बिल्कुल डिटेल स्ट्रक्चर चाहिए तो उसकी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नोट्स में ऑलरेडी लिंक है। अदरवाइज यहाँ पे मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन 1 जस्ट जिसको आपको रीड करना था वो कंप्लीट है। देन क्वेश्चन 2 है SSH का। जिसको SSH नहीं पता, SSH हम बोलते हैं सिक्योर शेल को। जिस तरीके से आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे होंगे जो कि आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने देते हैं, उसी तरीके से एक प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं सिक्योर शेल। सिक्योर शेल की शॉर्ट फॉर्म होती है SSH। SSH में क्या होता है कि हम कमांड लाइन के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ काम करती है आपके क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। क्लाइंट कौन होता है, आपका कंप्यूटर जिससे आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, एंड सर्वर क्या होता है, वो रिमोट कंप्यूटर जिसको कंट्रोल किया जा रहा है, एंड इंटरनेट के ऊपर ये प्रोटोकॉल काम करता है। SSH की अगर हम बात करें तो ये एक इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि ये अनइनक्रिप्ट तभी किया जाता है जब ये अपने एंड पॉइंट पर पहुँचता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। लाइनक्स मशीन को डिप्लॉय कैसे करती है, बहुत सिंपल है, आपको स्टार्ट मशीन पे क्लिक करना है, आपकी मशीन डिप्लॉय हो जाएगी। अगर आपको ये चीज़ समझना है कि आप चलाओगे कैसे इसको, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो इस मशीन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको 2 मिनट का वेट करना है। होगा क्या कि पहले 1 मिनट में तो ये मशीन स्टार्ट होगी। जब मशीन पूरे तरीके स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपको ये अटैक बॉक्स लॉन्च करना है। अटैक बॉक्स लॉन्च करने के बाद भी आपको 2 मिनट का वेट करना होगा। वेट आपको क्यों करना होगा, बिकॉज अटैक बॉक्स और जो ये सर्वर है ये आपस में कनेक्ट होते हैं TryHackMe के एंड से ही। ये उसके इंट्रानेट का पार्ट है। अगर आपको इन सर्वर्स को कनेक्ट करना है तो इसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। फॉर्मेट होता है इस कमांड का SSH देन स्पेस यूजर नेम @IP एड्रेस। मैं फॉर्मेट रिपीट कर रहा हूँ, SSH यूजर नेम @IP एड्रेस। SSH के बाद यूजर नेम क्या है, TryHackMe। TryHackMe के बाद आप क्या लिखोगे, @ @ के बाद आप क्या लिखोगे, वो स्पेसिफिक IP एड्रेस जिससे कि आप कनेक्ट कर रहे हो। इसका फॉर्मेट आपको इस एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, SSH देन यूजर नेम देन @IP एड्रेस। सो इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप लाइनक्स मशीन से कनेक्ट कर लो तो आपको इस क्वेश्चन पे डन करना है। देन उसके बाद है टास्क 3। टास्क 3 में क्या है, बेसिकली फ्लैग्स और स्विचेस के बारे में बता रखा है। अगर आपको फ्लैग्स और स्विचेस के बारे में नहीं पता तो मैं आपको इन शॉर्ट एक चीज़ बताता हूँ। उसके लिए हम चलते हैं डायरेक्टली हमारे ब्लैक बोर्ड पर। ओके, सो ब्लैक बोर्ड में हम यहाँ पर देखते हैं एक फॉर्मेट को। वो फॉर्मेट क्या है कि हम जो भी लाइनक्स कमांड का इस्तेमाल करेंगे वो किस तरीके से लिखी जाती है। सबसे पहले हम लिखते हैं कमांड का नाम, देन हम लिखते हैं फ्लैग, एंड देन हम लिखते हैं इनपुट। कमांड जनरली हमें दिखती है उसके नाम से ही। फॉर एग्जांपल CD ये कमांड है, LS ये कमांड है, बट मान के चलो कि आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, आपको फ्लैग्स को एक्सप्लोर करना है, तो आप किस तरीके से करोगे, आप इस्तेमाल करोगे -a का। -a से क्या होगा, इससे रिलेटेड जो भी फ्लैग का एक स्पेसिफिक काम असाइन है आप उस चीज़ को करोगे। बट अगर आपको ये नहीं पता कि किसी भी कमांड में कौन सा फ्लैग इस्तेमाल होगा तो आप उस फ्लैग को किस तरीके से देखोगे, उसके लिए आपको लाइनक्स में कमांड मिलती है जिसको आप बोलते हो मैन। मैन का मीनिंग होता है मैनुअल। अगर आपने लाइनक्स का रूम का पार्ट 1 किया होगा तो उसमें आपको पता होगा एक मैन कमांड एग्जिस्ट करती थी जिसमें क्या करना होता था, इसके बाद हम अगर किसी कमांड का नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अगर आपको मैन कमांड में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, आपको बेसिकली अपनी कमांड का नेम लिखना है एंड उसके बाद आपको लिखना है -h। -h फ्लैग है हेल्प का। अगर आप किसी भी कमांड के आगे -h लिखते हो उसके फ्लैग्स और सारे के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपको स्टिल डाउट है तो मैं यहाँ पर एक अटैक बॉक्स को स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ एंड यहाँ पर हम चेकआउट भी करेंगे। तो 1 मिनट का टाइम लगता है अटैक बॉक्स को स्टार्ट होने में, तब तक हम अपना आगे टास्क को देख लेते हैं। सो नीचे हम जाएंगे एंड यहाँ पर एक्सप्लोर द मैनुअल पेज ऑफ एल एस कमांड. अब आप मुझे ये बताओ एल एस कमांड के मैनुअल पेज को हम किस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे. आप कमेंट्स में अपना आंसर लिखकर बता सकते हो. मैं आपसे कमांड पूछ रहा हूँ कि आप एल एस कमांड के मैनुअल पेज को किस तरीके से एक्सेस करोगे. ध्रुव ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है. सनी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है. शेखर ने भी सही आंसर दिया है. मैन एल एस या पूरा का पूरा मैनुअल चेकआउट कर सकते हो. देन उसके बाद कौन सी डायरेक्शनल की से आप डाउन जा सकते हो. ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. कमांड लाइन इंटरफेस में कोई आपके आइकन्स तो होते नहीं. अगर आपको अप डाउन जाना है या आपको राइट लेफ्ट जाना है तब आपको एरो कीज का इस्तेमाल करना है. अगर आपको डाउन जाना है तो एरो की भी आपकी कौन से इस्तेमाल होगी, डाउन. कौन से कमांड से जो हमारा आउटपुट है वो डिस्प्ले होता है ह्यूमन रीडेबल वे में, वो होता है डैश एच. ये हमारा एल एस के लिए है. तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो मैं आपको साफ साफ क्लियर कर रहा हूँ. आप डे 2 में जा सकते हो, नहीं तो आप बेटर कॉल मानव वाले यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो. डिटेल्ड वॉक थ्रू यहाँ पर अवेलेबल है. अभी मैं जस्ट क्विकली इन चीज़ों को कवर अप कर रहा हूँ. देन नेक्स्ट हमें क्या बता रखा है, नेक्स्ट हमें कुछ कमांड्स के बारे में और बता रखा है. हम इन कमांड्स को बहुत स्पीड में देखते हैं. कमांड है टच. अगर आपको किसी भी फाइल को क्रिएट करना है लाइनक्स के अंदर आप इस्तेमाल करोगे टच कमांड का. तो ये हम कैसे करते हैं मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ. जब तक ये मशीन लोड होती है तब तक हम थोड़ा आगे वाली कमांड को देख लेते हैं. अगर आपको कोई भी फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर क्या होता है, आपकी डायरेक्टरी. अगर आपको कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तब आप कौन से कमांड का इस्तेमाल करोगे, mkdir मेक डायरेक्टरी. नेक्स्ट, अगर आपको फाइल या फोल्डर्स को कॉपी करना है तब आप किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, cp का. cp कमांड है कॉपी के लिए. अगर आपको मूव करनी है फाइल्स या फोल्डर्स को या फाइल को रीनेम करना है तब आप इस्तेमाल करोगे mv का. अगर आपको फाइल्स और फोल्डर्स को रिमूव करना है तब आपके पास कमांड है rm. अगर आपको फाइल टाइप चेक करना है तब आपके पास कमांड है फाइल. अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको एक्शन में दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए. मैं भी यहाँ पर टर्मिनल पे गया एंड टर्मिनल पे मैं एल एस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे चीज़ें लिस्ट हो रही हैं. मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ mkdir टेस्ट. एंटर प्रेस करता हूँ, एल एस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेस्ट नाम की डायरेक्टरी मुझे दिख रही है. अगर मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cd टेस्ट और मैं एंटर प्रेस करूँगा, एल एस करूँगा तो ये मुझे ब्लैंक दिखाएगा. ब्लैंक किस वजह से दिखाएगा, बिकॉज ये डायरेक्टरी के अंदर अभी मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया था. अब एंटर करने के लिए मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा. फाइल हम किससे बनाएंगे, टच. देन स्पेस हम यहाँ पर फाइल का नाम लिखेंगे. फाइल का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ op.txt. मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा, ls करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे फाइल यहाँ पर दिख रही है. फाइल का नाम है op.txt. यहाँ तक आपको क्लियर है? जितने भी लोग हैं आप मुझे येस या नो लिख कर बता सकते हो. अगर आपको क्लियर है तो आप येस लिख दो, कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके, अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है देन उसके बाद हमें क्या कहता है कि अगर मुझे किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना है तो मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ. सबसे पहले आपको लिखनी है कॉपी कमांड. देन आपको एग्जिस्टिंग फाइल का नेम लिखना है. एग्जिस्टिंग फाइल का नेम है op.txt. अगर मुझे इसी ही लोकेशन पे इसको बेसिकली पेस्ट करना है दूसरे नाम से तो मैं दूसरा नाम यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, qaz.txt. अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ls करता हूँ तब आप यहाँ पर देख सकते हो op.txt और qaz.txt एग्जिस्ट करता है. सेम अगर मुझे क्या करना था, मुझे इस फाइल को किसी और जगह पर अगर मुझे पेस्ट करना था तो मुझे उसका पाथ लिखना था. पाथ में किस तरीके से निकालता, पाथ में निकालता pwd से. मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो /root/test. बट अगर मुझे इस चीज़ को रूट में डालना तो मैं क्या किस तरीके से कर सकता हूँ, cp op.txt एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता, /root. और अगर कोई और भी फोल्डर का नाम होता तो मैं स्पेसिफिकली उस टाइप के फोल्डर का नाम लिख देता. तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता, मुझे फाइल का नाम लिखना, सबसे पहले मुझे कमांड का नाम लिखना है, एग्जिस्टिंग फाइल का नेम लिखना है. या तो मैं दूसरी फाइल का नेम लिख सकता हूँ या मैं फोल्डर का नेम लिख सकता हूँ. सेम चीज़ मैं फोल्डर के लिए भी अप्लाई करूँगा, cp स्पेस फोल्डर नेम और मैं दूसरे फोल्डर का भी नाम लिख सकता हूँ. cp के बाद जो मेरे पास नेक्स्ट कमांड है उसका नाम है mv. mv की भी सेम चीज़ है. अब अगर मैं बात करता हूं कि अब मुझे क्या करना है, मुझे op.txt को एक दूसरी जगह पर डालना था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ls करता हूँ, यहाँ पे इस वक्त सिर्फ op.txt और क्या हुए z.txt है। मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना देता हूँ mkdir1, ls करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 op.txt और क्या हुए z.txt एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे mv लिखता हूँ, op.txt लिखता हूँ, सॉरी mv देन op.txt देन मैं लिखूँगा 1, एंटर प्रेस करता हूँ, ls करता हूँ, तब आप यहाँ पे देख सकते हो कि op.txt एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा इस जगह पर। पर आप मुझे बता सकते हो कि op.txt कहाँ पर चला गया, किस जगह पर ये चीज़ चली गई? ध्रुव, सनी, हर्ष, शेखर 1 नाम के फोल्डर में, बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ cd 1 एंड मैं इसको लिखता हूँ एंड ls, यहाँ पर मैंने 2 कमांड को एक साथ लिखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब मुझे op.txt दिखाई दे रहा है। हुआ क्या है कि मैं 1 नाम के फोल्डर के अंदर चला गया हूँ एंड उसके अंदर मैंने ls कमांड एग्जीक्यूट करी है। अब मान के चलो कि मुझे op.txt का नाम चेंज करना है, तो मैं इसका नाम कैसे चेंज कर सकता हूँ, mv op.txt एंड मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ io.txt, एंटर प्रेस करता हूँ, ls करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि op.txt का नाम चेंज होके क्या हो चुका है, io.txt। कमांड क्लियर है आपको? सनी, रोहिन, प्रियांशु, ध्रुव, हर्ष, शेखर, ओके। अगर आपको ये कमांड क्लियर है देन नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास फाइल को रिमूव करने का, rm, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, फाइल का नेम लिखूँगा io.txt, मैं एंटर प्रेस करूँगा, ls करूँगा, तो यहाँ पर फाइल रिमूव हो चुकी है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे किसी भी फाइल के टाइप को डिटरमाइन करना हो, अभी मैं एक बैक फोल्डर में जा रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे ls करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो cast.txt नाम की एक फाइल एग्जिस्ट करती है। अगर मुझे इसका टाइप देखना है तो मैं किस तरीके से देखूंगा, फाइल स्पेस फाइल का नाम एंड मैं एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वक्त एम्प्टी दिखाई दे रहा है। अगर इसमें कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते, अगर मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ डालता तो उसके हिसाब से इस फाइल का फाइल टाइप आ जाता। क्लियर है आपको ये सारी कमांड्स, येस और नो? देखो अगर आपको इसका डिटेल्ड वर्जन चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको इस वीडियो को देखना होगा बिकॉज अभी मैं इन चीज़ों को क्विकली कवर अप कर रहा हूँ। एंड ये सारी चीज़ होने के बाद हाउ वुड यू क्रिएट द फाइल नेम, न्यू नोट, टच न्यू नोट। अगर आपको फाइल टाइप चेक करना है, देखो जो फाइल टाइप है उसके अंदर जब आप लिखोगे फाइल देन आप फाइल का नाम लिखोगे तब आपके पास फाइल टाइप आ जाएगा ASCII टेक्स्ट। अगर आपको क्या करना है, आपको फाइल को मूव करना है तब हम लिखते हैं mv my file and my folder। अगर आप उसी फाइल को कैट करोगे, किसी भी फाइल को रीड करने कमांड होती है कैट, कैट स्पेस फाइल नेम लिखोगे तो आपके पास ये फ्लैग आ जाएगा। एंड सारी नॉलेज हमने अप्लाई कर ली है तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है आपको ये चीज़? शेखर, हर्ष, ध्रुव, पुष्पा, प्रियांशु, रोहिन, ओके। अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है देन उसके बाद है हमारे पास परमिशंस 101। परमिशंस के बारे में आपको बता देता हूँ। लाइनक्स के अंदर अगर आप देखोगे ना, फाइल्स की परमिशन होती है एंड परमिशन को भी मैं यहाँ पे बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊँगा। टोटल 3 टाइप की परमिशन होती है जिसको हम बोलते हैं रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लाइनक्स के अंदर जो भी आप फाइल्स को देखते हो उनकी परमिशन कितने पार्ट्स में होती है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। अगर कोई फाइल सिर्फ रीड हो सकती है तो R लिखा होगा, रीड और राइट हो सकती है तो RW लिखा होगा, और अगर एग्जीक्यूट हो सकती है तो X भी लिखा होगा। एग्जीक्यूट का मीनिंग क्या होता है, जनरली फाइल्स के अंदर एक सोर्स कोड होता है, अगर वो सोर्स कोड रन हो सकता है, वो प्रोग्राम रन हो सकता है तो उसके पास एग्जीक्यूट की भी परमिशन होती है। अब प्रॉपर ये डैश RW, R डैश, ये क्या चीज़ें होती है, ये डिटेल टॉपिक है, उसके लिए आपको वॉक थ्रू को चेकआउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से आपके पास विंडोज़ में अलग अलग यूज़र्स होते हैं उसी तरीके से लाइनक्स में भी आपके पास अलग अलग यूज़र्स होते हैं। अगर आपको किसी यूज़र में स्विच करना है तो आपको क्या कमांड लगानी पड़ेगी, su space यूज़र नेम, उसके बाद आपको उस यूज़र का पासवर्ड लिखना होगा, पासवर्ड लिखते ही आप दूसरे यूज़र में क्या कर सकते हो, आप स्विच कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन का आप आंसर तभी कर सकते हो जब आप इस वाले टास्क को प्रॉपरली करोगे, वो आप सर्वर को ऑन करके उसमें टास्क को ट्राई आउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है कुछ कॉमन डायरेक्टरीज। कॉमन डायरेक्टरीज के बारे में हम बात करते हैं। ये कॉमन डायरेक्टरीज कौन सी होती हैं? ये डायरेक्टरीज बेसिकली कुछ ऐसे फोल्डर्स है जो हर लाइनक्स के सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं और हर फोल्डर का कुछ ना कुछ काम है। फॉर एग्जाम्पल /etc रूट डायरेक्टरी का एक पार्ट है जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सेट्रा। ये कॉमन प्लेस है जहाँ पे हमारे सिस्टम फाइल स्टोर होती हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की। देन नेक्स्ट है /var। /var हम वेरिएबल डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई भी लॉग फाइल्स को चेक करना है जो भी हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में सर्विसेज या एप्लीकेशन चल रही हैं, वो वेरिएबल डेटा के अंदर लॉग फाइल में एग्जिस्ट करता है जिसका पाथ क्या होता है /var/log। इसके बाद रूट के अंदर क्या होता है, जो हमारा रूट यूज़र होता है उसी के अंदर ही हमारी मेन चीज़ें होती हैं। आप ऐसे मान सकते हो कि ना हमारे कंप्यूटर का, हमारे लाइनक्स का भगवान क्या है, वो होता है रूट यूज़र। रूट डायरेक्टरी के अंदर क्या है, रूट सिस्टम की सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एंड अगर आपको इस चीज़ को समझना है तब आप क्या कर सकते हो, आप /root फोल्डर के अंदर जाके सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है TMP। TMP शॉर्ट फॉर्म है टेम्परेरी की। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, ऑन होने से ऑफ होने तक जितने भी काम में टेम्परेरी फाइल स्टोर होती है वो /TMP के अंदर किया जाता है। रीडमी डन हो चुका है, एक ऐसा पाथ जहाँ पे लॉग स्टोर होते हैं /var/log। रैम के जैसी कौन सी चीज़ काम करती है, टेम्परेरी होती है रैम भी, तो /TMP। होम डायरेक्टरी रूट यूज़र की काम मिलेगी /root। इन चीज़ों को हमें रियलिटी में अप्लाई करना है, तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंक्लूजन और समरी की अगर मैं बात करूँ तो हमने इसमें SSH सीखा, हमें फ्लैग्स के बारे में पता चला, स्विचेस के बारे में पता चला, मैन कमांड के बारे में पता चला, फाइल सिस्टम की कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स पता चली, फाइल परमिशंस के बारे में पता चला, एंड बेसिक समरी यहाँ पर हमने रीड करी। तो जब आपका ये पोर्शन हो जाए आपको अपने सर्वर को टर्मिनेट करना है एंड फंडामेंटल्स पार्ट 3 को ज्वाइन करना है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको इसमें बेसिक्स में कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट चीज़, अगर आप इसको रूम को डिटेल में करना है तो आप इस वॉक थ्रू को चेकआउट कर सकते हो, नोट्स में अवेलेबल है। टास्क 1 क्लियर, येस और नो? ओके, सो अगर आपको टास्क 1 क्लियर है, देन है टास्क 2 जो कि हमारा आज का मेन टास्क है। अब टास्क 2 का मैं आपको बता देता हूँ, स्टडी हाउ वेब वर्क्स। ये टास्क बहुत लंबा है, ठीक है। अगर मान के चलो कि इसका सिर्फ एक मिनिमल पार्ट ही कवर हुआ तो आज हम इसका सिर्फ मिनिमल पार्ट ही कवर कर सकते हैं। देन जो इसका एक्स्ट्रा पोर्शन होगा, जो भी बच जाएगा, वो हम डे 3 पर कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने सब पेजेस में जो डे 3 बना रखा है वो है ब्रशिंग अप द बेसिक्स। तो बेसिक्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो डे 3 में हम अलग अलग बग्स के बारे में, वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बात कर सकते हैं एंड इंटरनेट कैसे काम करता है हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले हम टास्क 3 और बाकी टास्क को देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो एंड मेजर पोर्शन को हम आगे कवर अप करें। टास्क 3 के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो वो है साइबर सिक्योरिटी कि अलग अलग साइट्स। अब ये अलग अलग साइट्स कौन सी होती है साइबर सिक्योरिटी में? आपको ऑलरेडी पता होगा कि हैकर्स अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, इसके अलावा आपने कई सारे टर्म्स भी सुनी होंगी। बट साइबर सिक्योरिटी के अंदर एट द कोर 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप काम करते हो ऑफेंसिव साइड में या आप काम करते हो डिफेंसिव साइड में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी में मेजर पोर्शन कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? या तो वो डिवाइड होगा ऑफेंसिव साइड में या वो डिवाइड होगा डिफेंसिव साइड में। अगर मैं ऑफेंसिव साइड की बात करूँ तो उसके लिए मैं आपको TryHackMe के एक रूम की तरफ लेके चलता हूँ। अगर आपको डिटेल में ऑफेंसिव वाला रूम देखना हो तब भी आप ये पूरा का पूरा वॉक थ्रू देख सकते हो। देन अगर मैं बात करता हूँ डिफेंसिव वाले वॉक थ्रू की तो डिफेंसिव रूम एक्चुअली में एक प्रीमियम रूम है ट्राई हैक मी पे, उसको सभी लोग बिना पे करे एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है अभी। अगर आपको उस रूम को चेकआउट करना है तो आप जस्ट इस YouTube वीडियो को देख सकते हो, मैंने इसमें सारे के सारे टास्क कर रखे हैं 1 by 1 एंड आप उसके नोट्स बना सकते हो अगर आपको पे नहीं करना तो। बट अगर आपको लगता है कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए या फिर आपको बैच चाहिए और अगर आप पे करना चाहते हो तब आप डिफेंसिव रूम को भी पे करके प्ले कर सकते हो। अभी तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने इनके वॉक थ्रूज क्रिएट कर रखे हैं। मैं एक बार दोनों रूम्स में आपको जाकर दिखा देता हूँ। लर्न पे मैं जाऊँगा, लर्न के अंदर मैं जाऊँगा लर्निंग पाथ में एंड लर्निंग पाथ में हम जाएंगे प्री सिक्योरिटी में एंड प्री सिक्योरिटी के अंदर आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। इसके अंदर है हमारे पास ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी जनरली क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ऑफेंसिव सिक्योरिटी होता है जिसमें हैकर्स डायरेक्टली हैक करते हैं। आपने ना बहुत बार सुना होगा इस कंपनी का ये डेटा लीक हो गया, इस कंपनी का कुछ और डेटा लीक हो गया। तो ये जितनी भी डेटा लीक्स वाली चीज़ें एग्जिस्ट करती है ना, ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये सारी की सारी ऑफेंसिव साइड के अंदर आती हैं। अब ये जो ऑफेंसिव साइड में आती है, यहाँ पे क्या करते हैं, हैकर्स डायरेक्टली कंपनी के एसेट्स को हैक करते हैं एंड उससे रिलेटेड क्या करते हैं, रिपोर्ट्स बना के देते हैं कंपनी को कि आपका वेब एप्लीकेशन, आपकी वेबसाइट इस तरीके से हैक हो सकती है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर बता रखा है कि हम हैक कैसे करेंगे। तो इन्होंने क्या कर रखा है, गो बस्टर से तरीका बता रखा है एक फेक बैंक नाम की वेबसाइट को हैक करने का। अब डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, डिटेल में जिसको भी ये चीज़ कवर अप करना है तो आप इस रूम पे जाके देख सकते हो ऑफेंसिव में आप एक एक टास्क को कैसे करोगे। मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि गो बस्टर एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का नाम लिखोगे एंड आप वर्ड लिस्ट सेलेक्ट करोगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को पता है कि आखिर एक वर्ड लिस्ट क्या होती है? यस या नो करके आप मुझे बता सकते हो कि आखिर एक वर्ड लिस्ट क्या होती है, आपको पता है या नहीं पता? ओके, एंग्री एल्फिन कह रहे हैं नहीं पता, हर्ष को पता है, बाकी लोगों को? ओके, तो मैं बताता हूँ बिल्कुल सिंपल सी चीज़। वर्ड लिस्ट में टेक्निकली ना पोटेंशियल कीवर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब एक पासवर्ड के लिए एक अलग वर्ड लिस्ट बनाई जाएगी, डायरेक्टरीज फाइंड करने के लिए एक अलग वर्ड लिस्ट बनाई जाएगी। वर्ड लिस्ट क्या है, ये बेसिकली एक ऐसी फाइल है जिसमें हमारे टारगेट से रिलेटेड पोटेंशियल कीवर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर, मुझे क्या करना है, मुझे इस fakebank.com नाम की वेबसाइट को हैक करना है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, गो बस्टर नाम के टूल का इस्तेमाल किया गया है। ये एक स्क्रिप्ट है, इसको रन करने के लिए डैश यू फ्लैग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यूआरएल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमने यूआरएल लिखा, यूआरएल के बाद हमें वर्ड लिस्ट से ब्रूट फोर्स करना है। ब्रूट फोर्स में क्या होता है, हम बार बार जाकर चेक कर रहे हैं ये चीज़ एग्जिस्ट करती है नहीं करती, एग्जिस्ट करती है नहीं करती, एग्जिस्ट करती है नहीं करती। यहाँ पर वर्ड लिस्ट की मदद से हम क्या कर रहे हैं, उस वेबसाइट में डायरेक्टरीज को ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। उस वजह से एट द एंड जो उसका मोड सेट किया गया है वो किया गया है DIR। DIR में का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्टरीज। सो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको अटैक करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको 2 पेजेस निकल के दिखेंगे एज अ रिजल्ट, /images और / आपका डायरेक्टरी नेम आउटपुट। तो आपको किस तरीके से दिखेगा जो पेज फाउंड होंगे, एक होगा /images और एक होगा /bank transfer। /bank transfer पे आपने जाना है, आपको क्या करना है, आपको उसमें बेसिकली अमाउंट एंटर करनी है, आपको $2000 अमाउंट एंटर करनी है। देन आपको बैंक का अकाउंट नंबर एंटर करना है और आपको दूसरे बैंक का अकाउंट का नंबर एंटर करना है और आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद जब आप होम पेज पर आओगे तब आप क्या देखोगे, आपको एक बेसिकली एक कीवर्ड मिलेगा जो इसका आंसर है बैंक हैक्ड, वही फ्लैग आपको यहाँ पर एंटर करना है। देखो ये चीज़ें आप रियलिटी में ज़रूर ट्राई करना, सिर्फ डायरेक्टली आंसर लिखने से कुछ नहीं आता जब तक आपको चीज़ें हैक करनी नहीं आएंगी। तो देन बाकी जो चीज़ें हैं वो रीडमी वाला पोर्शन है, उनको आप डन कर सकते हो। देन अब हमें मेन पोर्शन बताता है कि आखिर ऑफेंसिव सिक्योरिटी होता क्या है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी इन शॉर्ट एक टर्म है जो कि क्या बताती है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर सिस्टम सर्वर्स को हैक करते हैं, हम सॉफ्टवेयर बग्स को एक्सप्लॉइट करते हैं एंड उसमें कमियां निकालते हैं, एंड कमियां निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकते हैं। एंड अगर आपको किसी हैकर को हराना है तो आपको एक हैकर के जैसा ही सोचना पड़ेगा, आपको वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करना पड़ेगा, आपको पैचेस को लगाना पड़ेगा एक साइबर क्रिमिनल के अटैक से पहले। पैचेस किस तरीके से लगाते हैं और ये चीज़ें काम कैसे की जाती है वो आपका डिफेंसिव साइड के अंदर आता है, जो कि हम आगे देखेंगे। एंड देन यहाँ पे ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन करियर्स इन साइबर सिक्योरिटी, मैं आपको मेजर बताता हूँ 3 करियर के बारे में जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी के रोल हैं। एक है हमारा पेनिट्रेशन टेस्टर, एक है हमारा रेड टीम और एक है हमारा सिक्योरिटी इंजीनियर। पेनिट्रेशन टेस्टर क्या करता है, ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करता है, उसमें वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करता है। बेसिकली जिन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है या किया जा सकता है, पेनिट्रेशन टेस्टर उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के देता है। देन रेड टीमर क्या करता है, रेड टीमर बेसिकली एक एडवर्सरी का रोल निभाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अटैक करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन या फीडबैक एक एनिमी के पर्सपेक्टिव से। सिक्योरिटी इंजीनियर क्या करता है, ये डिज़ाइन करता है, मॉनिटर करता है और मेंटेन करता है किस चीज़ को, सिक्योरिटी कंट्रोल्स को, नेटवर्क्स को, सिस्टम्स को, ताकि जो फ्यूचर साइबर अटैक्स है उनसे सिस्टम को बचाया जा सके। तो मैंने यहाँ पर बहुत क्विकली इस रूम के बारे में बताया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट आपको रूम्स खुद अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप कहीं पे फंस जाओ, आपको कुछ भी ना आए, आप टास्क 3 वाले नोट्स पे जाना, आपको यहाँ पे इसका पूरा का पूरा वॉक थ्रू मिल जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो @BetterCallManav, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेंसिव साइड पे। डिफेंसिव साइड पे क्या होता है, अब हम उन चीज़ों को देखेंगे। सो जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर हम जाएंगे डिफेंसिव सिक्योरिटी। एंड डिफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर आप देख सकते हो कि ना, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, डिफेंसिव सिक्योरिटी वाला रूम बेसिकली थ्योरी में बहुत ज़्यादा बड़ा है। आज जब मैंने इस रूम को, इसकी वीडियो अपलोड करी है वो भी अराउंड 36 मिनट्स के आसपास की है, तो वो बहुत बड़ा रूम है थ्योरी में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को। बट मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाला रूम कर लिया, डिफेंसिव सिक्योरिटी वाला रूम कर लिया और इसके बाद एक छोटा सा रूम हो रहा है जो कि है साइबर सिक्योरिटी के करियर्स का रूम, इन 3 के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको आज से आने वाले 6 महीने या 1 साल बाद अगर आपको किसी कंपनी में जाना है तो आपको कौन से रोल्स पे ध्यान देना चाहिए। तो डिफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में हम बात करते हैं। डिफेंसिव सिक्योरिटी के मेजरली 2 टास्क होते हैं। एक होता है कि इंट्रूजन्स को रोकना, बेसिकली कोई भी लोग अगर इस्तेमाल करते हैं कुछ एक्सप्लॉइट्स का या वो कोई भी बग्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, वो ट्राई करते हैं नेटवर्क के अंदर घुसने की, तो डिफेंसिव सिक्योरिटी वालों को उनसे बचाना है। नेक्स्ट चीज़ है डिटेक्ट करना है इंट्रूजन्स को जब वो होएं एंड उनके अकॉर्डिंग प्रॉपरली रिस्पोंड करना है। ठीक है, रिस्पोंड किस तरीके से करना है, एक प्रॉपर रिपोर्ट बनानी है या जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं वो मेजर्स लेने हैं। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में कौन सी टीम एग्जिस्ट करती है, रेड टीम एग्जिस्ट करती है। डिफेंसिव सिक्योरिटी में कौन सी टीम एग्जिस्ट करती है, ब्लू टीम एग्जिस्ट करती है। मैं ये क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा हूँ, ऑफेंसिव सिक्योरिटी में कौन सी टीम एग्जिस्ट करती है, कमेंट में आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं, रेड टीम, बिल्कुल सही। और डिफेंसिव सिक्योरिटी में कौन सी टीम एग्जिस्ट करती है, ब्लू टीम। ठीक है, तो अगर कल को जब आप कंपनीज में जाओगे, आप चेकआउट करोगे चीज़ों को, तब आपको पता होगा कि कौन सी टीम, कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम है। अब यहाँ पे डिटेल में बता रखा है, ये सिर्फ कुछ ही चीज़ें बता रखी है, रियलिटी में इससे ज़्यादा काम भी होते हैं। डिफेंसिव सिक्योरिटी वालों का काम क्या होता है कि ना वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाएं, वो एसेट्स को डॉक्यूमेंट करें और मैनेज करें। अब एसेट्स को डॉक्यूमेंट कैसे कर सकते हो? कंपनी के पास अलग अलग सिस्टम्स और सर्वर्स होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। ये इंश्योर करे सारी की सारी चीज़ें उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है एंड एसेट्स को देखा जाता है कि चीज़ें प्रोटेक्टेड है या नहीं है। अगर कहीं पर वीकनेस एग्जिस्ट करती है तो क्या किया जाए, उन वीकनेसेस को पैच किया जाए, सिस्टम्स को ओवर द टाइम अपडेट किया जाए। देन नेक्स्ट क्या है कि आपको सिक्योरिटी डिवाइसेस को लगाना है। कौन से सिक्योरिटी डिवाइसेस को? प्रिवेंटिव सिक्योरिटी डिवाइसेस को। ठीक है, अब ये जो प्रिवेंटेटिव सिक्योरिटी डिवाइसेस क्या होते हैं, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल फायरवॉल हो सकता है या आईपीएस हो सकता है। आईपीएस क्या होता है? इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है, ये मदद करता है डिफेंसिव टीम्स की कि अगर कोई बाहर से आता है तो उसको बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए रास्ता। देन उसके बाद आपको लॉगिंग डिवाइसेस और मॉनिटरिंग डिवाइसेस को भी सेटअप करना है। इस रूम में हम कवर अप करेंगे एसओसी को, थ्रेट इंटेलिजेंस को, डिजिटल फोरेंसिक्स को और मैलवेयर एनालिसिस को। एसओसी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो कौन सी टीम फोकस करती है डिफेंसिव सिक्योरिटी पे? ब्लू टीम। आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिफेंसिव सिक्योरिटी में कौन कौन से एरियाज एग्जिस्ट करते हैं? मेजरली दो टॉपिक्स हैं जो कि डिफेंसिव सिक्योरिटी में हम बात करेंगे। एक है एसओसी और एक है हमारे पास डीएफआईआर, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इसका मीनिंग, इसके फुल फॉर्म क्या होती है, इसके शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? डीएफआईआर। एसओसी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एक ऐसी टीम है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जो कि मॉनिटर करती है नेटवर्क और उसके सिस्टम्स को, एंड वो डिटेक्ट करती है साइबर सिक्योरिटी इवेंट्स, जितने भी मैलिशियस इवेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो उनके बारे में डिटेक्ट करती है और उनको कोशिश करती है कि उनको संभाल पाए। अब एसओसी के भी कुछ मेन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, यहाँ पर कुछ लिस्ट हैं। पहला है वल्नरेबिलिटी, दूसरा है पॉलिसी वायलेशंस, तीसरा है अनऑथराइज्ड एक्टिविटी, चौथा है नेटवर्क इंट्रूशंस। वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं? वो होती है सिस्टम्स या नेटवर्क की कमियां जिसकी मदद से हैकर्स हैक करते हैं किसी भी सिस्टम को। तो एसओसी का काम क्या होता है कि वो ओवर द टाइम चेक करें। ठीक है, अगर किसी चीज़ को अपडेट करने की ज़रूरत है तो उसको अपडेट किया जाए एंड चीज़ों को पैच किया जाए। अगर फिक्स अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाए ताकि हम बचा सके हमारे सिस्टम को हैक होने से। द नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिसी वायलेशंस। पॉलिसी वायलेशंस का मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ सेट ऑफ आपके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि हर कंपनी में फॉलो अप किए जाने चाहिए। अब इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि एक कंपनी का एम्प्लॉय अगर कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा को किसी ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस पर डाल रहा है, गूगल ड्राइव पर डाल रहा है, वन ड्राइव पर डाल रहा है या कहीं बाहर बेच रहा है, तो ये एक पॉलिसी वायलेशन है। उससे भी बचाना एसओसी का काम है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एंड ओके, इफ आई ओपन इंट्रो टू डिफेंस इट टास्क मंथली $10। ये वाला रूम पेड है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इसके बारे में पे नहीं करना, फ्री में कंटेंट देखना है, तब आप क्या कर सकते हो, आप इस YouTube वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, नोट्स के अंदर अवेलेबल है, मैंने बिल्कुल डिटेल्ड वॉक थ्रू दिया है। ठीक है, तो मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट एक मिनट दो आप मुझे, इस वीडियो का लिंक ओके, लिंक आ चुका है आपके पास। यस या नो करके आप मुझे बता सकते हो। बेसिकली आप इसके अंदर पूरे के पूरे रूम को देख सकते हो, आपको अलग से ट्राई आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद अनऑथराइज्ड एक्टिविटी की। अनऑथराइज्ड एक्टिविटी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि आप कंपनी के एम्प्लॉय हो एंड आपसे किसी ने आपका यूज़र नेम, पासवर्ड या कुछ भी चीज़ चुरा ली है जिससे कि अटैकर इस्तेमाल कर सकता है आपके लॉगिन क्रेडेंशियल से कंपनी को हैक करने का या डैमेज करने का। अब आपका वर्किंग टाइम है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, बट हुआ क्या कि आपका लॉगिन हो रहा है 5 बजे या किसी और टाइम पे। तो जो एसओसी क्या करेगा, वो डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अनऑथराइज्ड एक्टिविटी हो रही है, एंड इसके अलावा भी अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ हो सकती है। आप उस सबको जो भी चीज़ है मैंने वीडियो में डिटेल में समझा रखा है, आप उस वॉक थ्रू को चेकआउट कर सकते हो। नेटवर्क इंट्रोजन्स क्या होते हैं? बेसिकली आप सोच लो कि यार ये नेटवर्क हैक नहीं हो सकता, ये कंपनी हैक नहीं हो सकती, बट रियलिटी ये है दुनिया में हर चीज़ हैक हो सकती है। तो हैकर्स किसी भी कंपनी के नेटवर्क में घुस सकते हैं, पब्लिक सर्वर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मैलिशियस लिंक को जनरेट करके यूज़र से क्लिक करवा सकते हैं मैनिपुलेट करके। तो अगर कहीं पे भी इंट्रूजन होता है तो एसओसी का काम क्या होता है कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले, वो डिटेक्ट करे एंड बेसिकली वो फर्दर डैमेज होने से बचाए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें थ्रेट इंटेलिजेंस। अब थ्रेट इंटेलिजेंस और डिजिटल फोरेंसिक्स ये बहुत डीप टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैलवेयर एनालिसिस, अगर आपको इनको डिटेल में जाना है तो आप वॉक थ्रू को ही चेक करना, बिकॉज नहीं तो मेरा पूरा का पूरा एक घंटा सिर्फ इसी में ही चला जाएगा। एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे क्या होता है मैं जस्ट आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं SIEM। SIEM क्या होता है? सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि SOC इस्तेमाल करती है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बेसिकली चेक करना कि क्या कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, एक अनयूजुअल एक्टिविटी हुई थी, अनऑथराइज्ड कनेक्शन अटैम्प्ट डिटेक्टेड फ्रॉम आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस का नाम और पोर्ट का नाम दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे आप आईपी एड्रेस को चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है, ठीक है। एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस को जब आप चेक करोगे, मैं जैसे इसको पीछे करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 143.110.250.149। तो जैसे ही मैं इस आईपी एड्रेस को डालूंगा ये बता देगा कि हाँ इतने टाइम पे ये चीज़ें हुई है। तो SIEM की मदद से मैं उस चीज़ को ब्लॉक कर पाऊंगा। डिटेल टास्क मैंने वॉक थ्रू में कर रखा है। डिफेंसिव और ऑफेंसिव का आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि क्या होता है। हर्ष, ध्रुव, शेखर, ब्लैक हैट, सनी, अश्विन, ओके। सो किसी को भी डाउट हो तो आप लोग डिफेंसिव में जाके देख लेना। देन हम बात करते हैं टास्क 4 पे, जो कि है फाइंडिंग डिफरेंट बग हंटिंग प्लेटफॉर्म्स। अब ये टॉपिक एक्चुअली आज का मेजर टॉपिक होने वाला है, बिकॉज हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम हाउ वेब वर्क्स को डिटेल में स्टार्ट करें, बट मैं इसका कुछ पोर्शंस करवाऊँगा ज़रूर। थोड़ा सा हम बात करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। देखो प्लेटफॉर्म्स, अगर आप गूगल पे जाओगे ना आपको हज़ारों प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एंड मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बग हंटिंग प्लेटफॉर्म्स। मैं जैसे यहाँ पे ये चीज़ लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, आपको यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, टॉप ये प्लेटफॉर्म्स, टॉप वो प्लेटफॉर्म्स। बट क्वेश्चन ये आता है कि आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, रियल लाइफ में चीज़ें बहुत अलग तरीके से चलती हैं। आपकी एक खुद की अप्रोच भी हो सकती है, आप खुद अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को भी टेस्ट कर सकते हो, आप जाके उस पर हैकिंग करके चीज़ों को ट्राई आउट कर सकते हो। पर एटलीस्ट आपके पास कुछ आंसर तो होना चाहिए ना कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप कौन से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं आपको प्लेटफॉर्म के नाम बताता हूँ। मैं जनरली यहाँ पे 3 या 4 प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, उसके अलावा मैं एक चीज और बताऊंगा। प्लेटफॉर्म का नाम है बग क्राउड। देन नेक्स्ट है हमारे पास हैकरवन। हैकरवन के बाद मेरे पास नेक्स्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, इंटीग्रिटी। एंड इंटीग्रिटी के बाद मेरे पास नेक्स्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो है हमारे पास हंटर डैव, ठीक है। इस सारे की सारी चीज़ों को हम चेकआउट करेंगे अभी। क्या आपने इन सब का नाम सुना है, बग क्राउड का, हैकरवन का, इंटीग्रिटी का और हंटर डैव का? यस और नो? ओके, तो अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको इन वेबसाइट पर जा के दिखाता हूँ। जैसे मैं गया, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, हैकरवन। एंड मैंने हैकरवन पे लिखा, आप यहाँ पे देख सकते हो। HackerOne एंड यहाँ पे आपको मिल गया। आपको यहाँ पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लॉगिन पे जाता हूँ एंड लॉगिन अगर मैं करूँगा तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाना चाहिए। ओके, तो मैं साइन इन करता हूँ एंड हम साइन इन हो रहा है अभी। ओके, तो जैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे साइन इन करने के बाद आ रहा है फाइंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर स्किल्स एंड वॉलेट एंड ना अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे हैकिंग के प्रोग्राम्स हैं, टेक्नोलॉजीज जुड़ी हुई हैं, एसेट्स हैं जिसमें एक हैकर इंटरेस्टेड हो सकता है। तो मान के चलो कि अगर आपको एंड्रॉयड हैकिंग आती है तो आप एंड्रॉयड वाले प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हो। अगर आपको वेब एप्लीकेशन हैकिंग आती है तो आप उन प्लेटफॉर्म्स या प्रोग्राम्स पे जाओगे जहाँ पर डोमेन लिखा है या वेबसाइट लिखा है। अगर आपको iOS एप्लीकेशंस को हैक करना है तब आप iOS वाले में जाओगे। तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ अभी कुछ ही दिख रहे होंगे बट रियलिटी में बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एसेट्स यू माइट बी इंटरेस्टेड इन। आप कैटेगरी वाइज भी जा सकते हो। अगर आपको सोर्स कोड में चेक करना है, आपको प्ले स्टोर में देखना है, आपको ऐप स्टोर में देखना है, आपको डोमेन्स चेक करने हैं, आपको हार्डवेयर या IoT में जाना है, आपको .apk फाइल्स देखनी है, आपको CIDR में जाना है, तो आप अपने स्किल्स के हिसाब से जा सकते हो। अब मान के चलो कि मुझे हैक करना है जैसे डोमेन को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर डोमेन दिए गए हैं। मैं इस वक्त जाता हूँ ट्रस्ट पायलट पे। सो मैं सी डिटेल्स पे क्लिक करूँगा एंड सी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड्स विजिबल है। अगर एम आई ऑडिबल, आई थिंक मैं बाई मिस्टेक डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो मैं आपको बता रहा था HackerOne के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप हैकिंग से कितनी अमाउंट कमा सकते हो। अगर आप लो लेवल की भी फाइंडिंग करोगे तो मिनिमम आपको $100 मिलेंगे ही मिलेंगे। $100 कितना हो गया इस वक्त, हो गया 8,000 रुपये से हल्का सा ऊपर। एंड मैक्सिमम बाउंटी क्रिटिकल पे कितना है, $2,000। तो जो आपको पैसे मिलेंगे, जो आपको बाउंटी मिलेगी इस कंपनी को हैक करने के लिए, वो रिवॉर्ड आपके इम्पैक्ट के ऊपर होंगे कि आपने कंपनी में कौन सा बग ढूंढा है, उसका इम्पैक्ट कितने सेवर्टी का है, क्या वो क्रिटिकल है, क्या वो हाई है, क्या वो मीडियम इम्पैक्ट का है, क्या वो लो इम्पैक्ट का है। आप यहाँ पे देख सकते हो सेवर्टी दी गई है, CVSS स्कोर दिया गया है, रिवॉर्ड दिया गया है। तो ये चीज़ें हम कैसे एक अच्छे प्रोग्राम को चूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें हम ओवर द टाइम देखेंगे। इन स्कोप क्या होता है, आउट स्कोप क्या होता है, ये चीज़ें आपको ओवर द टाइम समझ आएंगी। बट आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर आपको वेब हैकिंग करनी है तो उनको चीज़ें, अगर उन्होंने एसेट्स में डोमेन लिख रखा है या इन स्कोप में डोमेन लिख रखा है, तब आप उस पर ट्राई आउट करोगे। बिकॉज ओवर द टाइम 100 डेज के अंदर मैं वेब हैकिंग के ऊपर बात करने वाला हूँ। क्लियर है आपको HackerOne के बारे में हल्का सा पता चला? बेसिकली आप अलग अलग कंपनी के बग बाउंटी प्रोग्राम्स को चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है देन हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बग क्राउड। अब बग क्राउड भी बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। मैंने जैसे बग क्राउड लिखा आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर 1 क्राउड सोर्स साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरा बग क्राउड अभी ओपन होगा। एज अ रिसर्चर मैं लॉगिन करूँगा, तो यहाँ पर मैं गया रिसर्चर पोर्टल पर एंड रिसर्चर पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ पर मैं लॉगिन करूँगा एंड यहाँ पर लॉगिन करने के बाद अभी डैशबोर्ड ओपन होगा एंड डैशबोर्ड में मैं जाऊंगा प्रोग्राम्स के ऊपर। अब प्रोग्राम्स पे अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग वेबसाइट्स लिस्टेड है। ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम्स लिस्टेड हैं जिनको मैं हैक कर सकता हूं। एंड प्रोग्राम्स में भी यहाँ पर साफ साफ विजिबल है कि मिनिमम बाउंटी कितनी होगी, मैक्सिमम बाउंटी कितनी होगी पर वल्नरेबिलिटी। $50 की मिनिमम बाउंटी है, तो ये हो गई 4,000 रुपये से ऊपर कम से कम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड मैक्सिमम बाउंटी है ये $2,500। ठीक है, सिमिलरली आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे हैकिंग के कि आप इन कंपनीज पे जाके आप इन कंपनीज पे जाके आप क्या कर सकते हो, आप हैक कर सकते हो। ठीक है, इन प्रोग्राम्स पे जाके। अब बग क्राउड के अलावा और कौन सा प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है? अगला प्लेटफॉर्म है वो है इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी मैं जैसे ही लिखता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो, बग बाउंटी एंड पेन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी अगर अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो मैं साइन इन करूँगा, अगर आप एक न्यू अकाउंट बनाओगे तो आप साइन अप करोगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ एंड साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेल पूछ रहा है। अभी मैं लॉगिन नहीं करूँगा। इंटीग्रिटी का भी सेम वही चीज़ है, जिस तरीके से बाकी प्लेटफॉर्म्स थे, बग क्राउड था, हैकरवन था, सेम वही प्रोसेस है कि आपको अलग अलग प्रोग्राम्स लिस्ट किए हुए मिल जाएंगे। एंड आपको क्या करना है, आपको बेसिकली प्रोग्राम पे जाना है। आप मिनिमम बाउंटी देख सकते हो, मैक्सिमम बाउंटी देख सकते हो। आपको कंपनी के एसेट्स को हैक करना होता है। एसेट्स बेसिकली वो प्रोडक्ट्स या वो सर्विसेज होती है जिससे कंपनी को कुछ फायदा होता है। 3 प्लेटफॉर्म क्लियर है आपको, इंटीग्रिटी, बग क्राउड, हैकरवन। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हंटर डैव के बारे में। अब हंटर डैव में मैं एक्चुअली हंटर डैव के ऊपर हैक नहीं करता होता था, बट हुआ क्या कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जब कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था रिसेंटली तो हंटर डैव ने अच्छी बाउंटीज दे रखी थी, बट मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने क्या किया है कि अपने स्कोप को लो कर दिया है एंड ये सिर्फ कुछ मेजर टारगेट्स पर ही अब ध्यान दे रहे हैं। एंड ये ओपन सोर्स सिक्योरिटी को फंड करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने 1000 से भी ज़्यादा रैपोस को प्रोटेक्ट किया है। एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्टली सोर्स कोड हैकिंग करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि गिटहब की रेपोजिटरीज होती है एंड उसके अंदर हम चीज़ों को देखते हैं डायरेक्टली। मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर बाउंटीज़ पे अगर मैं जाऊँगा, इसके अंदर जाऊँगा आप तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वक्त ये प्रोग्राम्स ओपन है। ठीक है, आउटलाइन है, जे ग्राफ है जिसका दूसरा नाम ड्रायो भी है, देन ड्रायो डेस्कटॉप है, देन उसके अलावा भी चैट वूट है। ये सारे के सारे क्या है, ये गिटहब पे इनका सोर्स कोड अवेलेबल है एंड उनको हमें टेस्ट करके हैकिंग करनी है। ठीक है, एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, इनकी बाउंटीज अच्छी हैं। एंड मेन चीज़ क्या है कि ये बाउंटीज बहुत जल्दी असाइन कर देते हैं। अगर आपकी चीज़ें वैलिड हैं तो ये बाउंटीज बहुत जल्दी दे देते हैं। इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, मैंने कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी लिस्ट कर रखी है जिसके अंदर hunter.dav की POCs एग्जिस्ट करती हैं। इंटीग्रिटी और हंटर डैव के बारे में आपको पता चल गया। ध्रुव, हर्ष, शेखर, ब्लैक हैट, सनी, शुभम, यहाँ पर जितने भी लोग हैं। ओके, तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ कि क्या दुनिया में सिर्फ इतने ही प्लेटफॉर्म्स हैं? क्या आप जो भी हैकिंग करोगे सिर्फ इतने ही प्लेटफॉर्म्स पे करोगे? तो आंसर है इसका नो। ठीक है, अब इसका आंसर नो क्यों है? बिकॉज ओवर द टाइम और भी प्लेटफॉर्म्स आएंगे एंड जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स आएंगे उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज होगी। बट आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैकिंग करनी है? तो इसके लिए मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा कि ना ट्विटर पे एक्टिव रहा करो। ट्विटर पे जैसे मैं अगर अभी जाता हूँ twitter.com पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हैकर्स की कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है एंड हैकर्स जनरली अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में ट्वीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो एक हैकर ने आईडी और के बारे में ट्वीट कर रखा है, एक ने ट्राई हैक मी के बारे में कर रखा है, एक ने अभी हम बात कर रहे थे ना एसओसी के बारे में, ठीक है, डिफेंसिव साइड के बारे में, वही एसओसी एनालिस्ट के बारे में यहाँ पे किसी ने रोड मैप डाल रखा है। तो मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ट्विटर पे अगर एक्टिव रहोगे तो आपको नए नए प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता चलता जाएगा। ठीक है, एंड अगर कोई प्लेटफॉर्म दिक्कत देता है किसी हैकर को तो आपको हैकर्स ट्वीट करके बोलते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर किसी हैकर को कोई भी दिक्कत होती है वो डायरेक्टली कंपनी को टैग करके बोल देता है ट्विटर पे। आज के टाइम में लोग डरते नहीं हैं। नेक्स्ट चीज़ अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आपने यार सारी चीज़ कर ली, आप हैक भी कर रहे हो बट फिर भी बाउंटीज़ नहीं आ रही। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जितनी भी बाउंटीज़ होती है इनकी ना टैक्सोनॉमी होती है, या फिर आप सोच सकते हो लेवल्स होते हैं। मैं इस वक्त बग क्राउड की टैक्सोनॉमी के बारे में बात करूँगा। अब ये बग क्राउड की टैक्सोनॉमी क्या चीज़ है इसको मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बग क्राउड टैक्सोनॉमी एंड मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो बग क्राउड वल्नरेबिलिटी रेटिंग टैक्सोनॉमी। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना तब आपको टेक्निकल सेवेरिटी दिखेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको दिखेगा P1 एंड P2, P3, P4, P5 एंड इस तरीके से आपको और भी बग्स मिलेंगे, ठीक है। ये लेवल्स मिलेंगे एंड आपको VRT कैटेगरी दिखेगी, आपको वल्नरेबिलिटी का नेम दिखेगा एंड देन आपको अलग अलग उसके वेरिएंट के बारे में पता चलेगा। अब हमें ये चीज़ समझनी है कि आखिर ये सब क्या चीज़ है। तो मैं आपको बहुत सिंपल से वर्ड्स में बताऊंगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे क्या देखा P1 देन P2 देन P3 देन P4 देन P5। अब जो P5 होता है ये आता है हमारा इंफॉर्मेशनल कैटेगरी में। अगर मैं बात करता हूँ P4 में तो ये आता है लो कैटेगरी में। अगर मैं बात करता हूँ P1 की तो ये आता है क्रिटिकल में, स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी, क्रिटिकल में। अगर मैं बात करता हूँ P2 की तो ये आता है हाई में एंड अगर मैं बात करता हूँ P3 तो ये आता है मीडियम में। ये क्या चीज़ है आप खुद ही सोचो। ये P1, P2, P3, P4 ये एक्चुअली है क्या। आप जिन चीज़ों को हैक कर रहे हो, आप जिन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उन वल्नरेबिलिटीज़ का एक रेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एंड उसके इम्पैक्ट से पता चलता है कि आपको कितनी बाउंटी मिलेगी। मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं अगर HackerOne पे जाता हूँ, ठीक है, मैं गया HackerOne पे एंड मैंने एंटर प्रेस किया, HackerOne पे गया एंड अभी यहाँ पर लॉगिन होगा। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो मैं यहाँ पर गया हैक्टिविटी में। हैक्टिविटी में जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे जैसे मैं एक रिपोर्ट ही देख लेता हूँ तो आप इसको देख सकते हो, सेवर्टी क्रिटिकल 9.9 एंड जो बाउंटी है वो कितनी ज़्यादा है, 33,510, $33,510। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ कितना होगा ये 33,150 डॉलर्स इन रुपीस। खुद ही देख लो, बाउंटी ही 26,96,000, मतलब ये आपकी 27 लाख रुपए की बाउंटी है, ठीक है। एंड ये क्या है, ये क्रिटिकल बाउंटी है, RCE है। ये RCE ज़्यादातर आपके क्रिटिकल में ही जाते हैं एंड यहाँ पर आपको विजिबल है, ठीक है। तो जो ये लेवल है, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं कि आपको बाउंटी नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, आप बग्स के लेवल को देखो, आप उनके लेवल के हिसाब से चीज़ों को देखो कि अगर आप किसी कंपनी को हैक कर रहे हो तो वो वल्नरेबिलिटी आखिर कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, उसका इम्पैक्ट क्या है। जितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उतने ज़्यादा पैसे आपको मिलने के चांसेस है, उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स आपको मिलने के चांसेस हैं। ये पोर्शन क्लियर है आपको। ध्रुव, हर्ष, ब्लैक हैट, अश्विन, ओके। तो अगर आपको ये पोर्शन क्लियर है देन हमारा जो अभी पोर्शन बच गया था वो क्या था, वो ये था हाउ वेब वर्क्स। अभी हाउ वेब वर्क्स के लिए मैं प्री सिक्योरिटी पे जाता हूँ एंड प्री सिक्योरिटी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे है हाउ वेब वर्क्स एंड इसके अंदर अलग अलग रूम्स आप देख सकते हो, DNS इन डिटेल, HTTP इन डिटेल, हाउ वेबसाइट्स वर्क, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। अब मैं यहाँ पर एक बार DNS इन डिटेल पे जाता हूँ एंड देखते हैं, अगर रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हम इसको आज ही कंप्लीट करेंगे, ओके। DNS इन डिटेल वाले रूम को हम अटैम्प्ट करते हैं, बहुत ईजी रूम है। अब ये रूम क्या है, DNS क्या होता है, ये किस किस को पता है, येस और नो करके आप मुझे बता सकते हो। ओके, DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। बेसिकली आप जब भी इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो ना, चाहे आप google.com, चाहे आप लाइनक्स, आप TryHackMe, आप अगर किसी भी वेबसाइट पर जाओगे तो हर वेबसाइट काम करती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। हर वेबसाइट किस चीज़ पे काम करती है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। एंड ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, ये क्या होता है? आपका डिवाइस जिसकी मदद से आप इंटरनेट एक्सेस करते हो वो होता है क्लाइंट, एंड जो कंपनी के कंप्यूटर्स होते हैं वो होते हैं सर्वर्स। एंड DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। DNS सर्वर के ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जब भी आप लिखते हो ना google.com, तो आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली गूगल के पास नहीं जाती, आपकी रिक्वेस्ट जाती है DNS के ऊपर, डोमेन नेम सिस्टम के ऊपर, जिसके अंदर क्या है, चीज स्टोर्ड है, जिसके अंदर IP एड्रेस स्टोर है और जिसके अंदर डोमेन नेम स्टोर है, एंड उसके थ्रू चीज़ें जाती हैं। ठीक है, इतना पोर्शन आपको क्लियर है कि DNS होता क्या है। अगर आप चाहो तो आप इसको डिटेल में रीड कर सकते हो, जो इसका मेजर पोर्शन है वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस रूम को अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत सिंपल सा रूम है ये। DNS इन डिटेल एंड हाउ वेब वर्क्स, कल मैं 1 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा रूम कवर अप करवाऊंगा, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल। नेटवर्क नहीं, हाउ वेब वर्क्स, ये चारों के चारों रूम्स। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल होगी आप उसके डिस्क्रिप्शन में भी डाउट्स पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। हाँ जी, ट्विटर पे भी अवेलेबल है @BettercallManav। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।